श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। पिछले अध्याय में मैत्रेय मुनि द्वारा त्रिगुणमयी सृष्टि का वर्णन किया गया। अब आगे श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की पीड़ा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान है, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्व अर्थात कार्य था, तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रम से है 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और आदि देव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण किया, उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ। सुनो, विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुईं, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायो इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया, इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है।
जब इसके चढ़ उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गत शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पते ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। इसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व अर्थात ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुण स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनमें उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्रीहरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी यह विराट पुरुष काल और काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का स्वयं वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्रोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का, तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। उसकी जो चक्कर में डालने वाली चालें हैं वह अनंत परिमाण की हैं। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। वेदस को भगवान श्री हरि विष्णु को 3 पुराण अत्यधिक प्रिय हैं। उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण एवं गरुड़ पुराण। इन्हीं तीनों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, जिससे वह भगवान के प्रिय बन सके। आप इनका
लाभ उठाएं और दूसरों को भी अधिक से अधिक शेयर कर उन्हें भी इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।